मुद्दे पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले मोदी की गलत नीतियों ने अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। देश की गिरती जीडीपी और बढ़ते रोजगार को लेकर आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे विरोध के बावजूद एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है। आज देश की जीडीपी 23% से नीचे चली गई है। ये सरकार के बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को जो निर्णय लिया था उसका असली परिणाम 1 अगस्त 2020 को देखने को मिला। नोटबंदी ने देश के असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था, जिसके फलस्वरूप देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई। नोटबंदी देश के 50 अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस इंडिया के सपने ने असंगठित क्षेत्र को धन विहीन कर दिया, जिसका नुकसान देश के छोटे दुकानदार, किसान और छोटे व्यापारियों को हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।